अभी आदिपुरुष ठीक से फ्लॉप होना चाहूँगा। अभी आदिपुरुष की जो चीता जो आग लगी थी वो अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी, और अभी से जो है रामायण पे जो है नीतीश कुमार के जो है डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म की बात चालू हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो है स्टार कास्ट लिया जाने वाला है, कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो कि न्यू कपल बने, अर्थात आलिया भट्ट, ये वही आलिया भट्ट है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ट्रिपल आर देखने गया था, जब आलिया भट्ट की एंट्री होती जिनका नाम जिनके कैरेक्टर का नाम था सीता, तो जब इसको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाया जाता है तब सब लोगों के मन में एक दो लोग जो कि बोलने लगे ये तो गंगू भाई कहाँ से, मतलब सोचो जिनके इमेजिन जो है जिनके नाम से जो है गंगू बाई के नाम से जिन्हें जाना जाता हो। हाल ही में जो है आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी यूथ में, लेकिन अब वो जो है बॉलीवुड की सच्चाई सामने आते ही सभी को जो है इन लोग को जो है बॉयकॉट किया जाने लगा। तो आलिया भट्ट को देखते ही आदमी जो है गंगू बाई को याद करते हैं, और जिनको सीता के रोल में लिया जाता ट्रिपल आर में, लेकिन सब लोग बोलते थे कि इरिटेटिंग क्रिंज को यहाँ क्यों लाया गया, क्यों राजा मौली जी ने मजबूरी में आके इन्हें लिया है। तो सोचो जिन्हें सीता के नाम कैरेक्टर देने से इतना ही जो है लोगों को जो इतना विरोध किया गया था, लोगों को इतना जो है घिनौना लगा था, तो सो तो सीता माता, हमारी सीता माता का रोल अगर आलिया भट्ट करेंगे तो क्या होगा। भाई बाहुबली प्रभास को जब आदिपुरुष में इतना ज़्यादा नफरत का सामना करना पड़ा, तो आप लोग इसे सीख क्यों नहीं लेते। नीतीश कुमार या वही डायरेक्टर जो कि दंगल फिल्म बनाए थे हमारे जो है असत्य में उजैते के जो है होस्ट आमिर खान के साथ, तो देख सकते हैं। और इसके प्रोड्यूसर जो है मधु मंडेना को बताया जा रहा है। तो रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ये तो छोड़ो, हमारे रॉकी भाई यस जो कि KGF स्टारर जो कि इतने बड़े जो है स्टार बन चुके हैं आज पैन इंडिया लेवल पे, क्या वो भी प्रभास की तरह एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। रावण के रोल के लिए उनको अप्रोच किया जा रहा है, ऐसी बात किया जा रहा है जहां पहली बार तो ये बात आया था कि वो जो है रिजेक्ट कर चुके हैं इस रोल को, लेकिन फिर बात आता है कि इस रोल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बातें जो है बीच में झूल रही है। जहां वैसे NTR को भी कहा जा रहा है कि वॉर 2 के लिए वो आ रहा है, जबकि उनको आना ही नहीं चाहिए। बॉलीवुड से जितना दूर रहोगे ना आप भाई तेलुगु वालों, उतना ही आपका जो है स्टारडम बढ़ता जाएगा और उतना ही आप सक्सेस रेट के साथ जाओगे। जहां वही किसी के द्वारा ये भी कहा गया था कि अल्लू अर्जुन का कैमियो होने वाला है यहां किसी मूवी में, अर्थात जवान में। तो भाई साहब इन लोगों से दूर रहो तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी आप जो है सनातन को आगे बढ़ा पाओगे और तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। और ये बॉलीवुड के चक्कर में आओगे ना तो आप जो है वो जो गेहूं के संग में कीड़ा लग रहा था उसी कैटेगरी में चले जाओगे। तो यश को जो है रावण के रोल के अप्रोच किया गया था, देखते हैं यश क्या कहते हैं। क्योंकि देखो भाई जब रामायण को जो है इतना ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं उसके बारे में एक जानते हैं, जिसको आदिपुरुष के जो मेकर्स हैं उनके द्वारा ट्रायल किया जाता है, पता नहीं मनोज मुंतशिर कुछ बोल रहे हैं, अमरोध कुछ बोल रहे हैं, हमने इतनी सारी वीडियो बनाई है उस पर देख सकते हैं आप। तो सोचो तो नीतीश कुमार जो है रामायण मूवी बनाने जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो देखते हैं फिर ये लोग कितना गुड़ गोबर करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक सनातनी जो है SS राजामौली के लेवल का डायरेक्टर जो है यही जो है रामायण और महाभारत से प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है, और मुझे तो SS राजामौली से भी उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं। क्योंकि रामायण जो ऐसा है को हृदय की भावना से बनाया जाता है, और आज के मॉडर्न इंडस्ट्री में आप किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लो किसी में इतनी औकात नहीं कि श्री कृष्णचंद्र और भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई रोल कर सके, मतलब कुछ भी। कई लोग कहते थे कि ऋतिक रोशन को राम के रोल में लेना चाहिए, अक्षय कुमार को, मतलब भाई इन लोगों की किसी की औकात नहीं है बॉलीवुड में। तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसे जो है रोल को कैरी कर सकते हैं, उनमें वो तेजत्व का भाव ही नहीं है। ये जो गौ मांस खाने वाले बीफ फूड कहलाने वाले ये लोग जो है ये भगवान श्री रामचंद्र जी का रोल करेंगे, और यश को जो है रावण के रोल में लेने जाने की बात करें तो देखो ये सुसाइड पॉइंट ही होगा। क्योंकि आपको इतना बड़ा स्टारडम प्राप्त हुआ है KGF के बाद से, तो आप इसको घटिया तरह से यूज़ करके अपने करियर को बर्बाद ना करें, हम तो यही सलाह देना चाहेंगे यश भैया को। और रही बात मधु मंडेना और नीतीश कुमार के रामायण की, तो रणवीर कपूर आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र से क्या दुख, क्या ब्रह्मास्त्र और शमशेरा से आप लोगों को चेतावनी मिली थी उसको क्या समझ में नहीं आ पाए थे। सिंपल फैमिली कॉमेडी फिल्म करो और घर चलाओ, और बाकी बड़े बड़े रामायण जैसे प्रोजेक्ट में पढ़ने की गलती ना करो। ये बॉलीवुड वाले वही वाला बात है कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग बनते रहेंगे। आपके इसके बारे में क्या कहना है, कौन से जो होता है, क्या यश को रावण बनना चाहिए, और क्या रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को आप भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता की भूमिका में देख के सह पाएंगे, आपका हृदय झेल पाएगा। कमेंट से जो बताए कि जय श्री राम।